नमस्कार, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर में मैं रमेश चौधरी आपका स्वागत करते हुए उस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो अपना समय को बहुत महत्वपूर्ण देता है। कभी भी अपना एक एक सेकंड को ध्यान रखते हुए अपने लाइफ में आज 19 ईयर्स कंप्लीट। उनका नाम है मोहम्मद सैफ, उनके लिए तालियां हो जाए। मोहम्मद सैफ के बारे में आपको बताने में और आपको सुनने में काफ़ी खुशी महसूस हो। आज के नए जनरेशन का ऐसा शख्स लड़का है जो इनके थ्रू कभी इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही बरकरार रहती है, कभी भी अपने लाइफ में टेंशन को हटा के ही रखते हैं। और चाहे 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा हो, सभी लोग इनके बिहेवियर से काफ़ी हैप्पी रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके लिए ये खुशी का पात्र साबित होते हैं। मैं इनके बारे में काफ़ी 1.5 साल से जानता हूँ और ये अपने वक्त को 10th क्लास तक जब अपने घर में पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर पार्ट टाइम में बेच करके अपना पॉकेट मनी निकालते थे। आज की मैं ही आपसे पूछता हूँ, आज के जनरेशन में गिने चुने कितने लड़के हैं जो अपना पॉकेट मनी अपने आप और करते हैं, निकालते हैं, तो माँ बाप के लिए पेंशन बने होते हैं। और आज ये इंटर सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं। जैसे ही इन्होंने इंटर में गया तो अपना एंगल को अपने लाइफ को चेंज किया। एक दिन भी कंप्यूटर क्लास नहीं जाने के बावजूद भी उन्होंने कंप्यूटर का अच्छा वर्क किया, चाहे वो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हो चाहे MLC का इलेक्शन हो। उसमें इन्होंने तेलंगाना स्टेट में पेपर वर्क में कम से कम 12 आवर्स से लेकर 18 आवर्स तक उसको जाप काम करके पेपर वर्क को एग्जाम दिया। और जिस लीडर के लिए इन्होंने काम किया वो लीडर सक्सेस रहा और लीडर रहा, तो इसके लिए भी उनके लिए तालियां बजाएं। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये अपने वक्त का बहुत पाबंद है और काफ़ी ओरिएंटेड है। जिस माँ बाप ने इनको पैदा किया उनको काफ़ी प्राउड होगा कि हमारा पैसा औलाद है आज के डेट में, आज के सिचुएशन में। तो बोला गया है कि कुशल दस से कुशल नहीं तुलसी मन अफसोस, महिला घटे समुद्र के रावण बसे पड़ोस। इनका सब क्रेडिट जो है सैयद सादिक अली खुद नवाब साहब को जाता है। इनके संपर्क में अगर पारस भी जो होता है पत्थर बन जाता है और नहीं तो पारस भी सोना बन जाता है। अगर इनके इंस्ट्रक्शन से इंसान अगर चलना शुरू करे तो लाइफ के उस बुलंदियों तक पहुंच जाता है जिसका ऊपर कल्पना भी नहीं किया हो। तो इनका जो मार्गदर्शन है आज मैं देख रहा हूँ कि नवाब साहब ने इनको काफ़ी आखिर मार्गदर्शन देते हैं। और अभी तक का कलयुग का भगवान बोलते हैं लोग, तो मैं भी भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आज कलयुग में भी नवाब साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो नए जनरेशन को सही मार्गदर्शन दे सके और समाज को एक सही रास्ते को तरफ लेके जा सके। ड्रीम तो सब करते हैं लेकिन ड्रीम को चुराने वाला को इंसान चाहिए। पहला आदमी है जो नो स्मोकिंग के खिलाफ में और करप्शन के खिलाफ में आवाज़ें उठाते रहे हैं अभी तक, और गरीबों को हेल्प करते हुए अपने जिंदगी का 50 साल निकाल चुके हैं। और उनका फोकस यही है कि हर आदमी हेल्दी रहे और उस हेल्दी रहने के लिए अपने प्लेस को देते हुए अपने चंदनी नगर में अपोजिट ऑफ हनुमान टेम्पल में एक बहुत बड़ा क्लब बनवाए हैं जिसमें काफ़ी अगर चाहे तो 50 फैमिली उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप जो पर्सन को सामने देख रहे हैं, हम लोग को करीबन 18 मंथ से 18 मंथ से हम लोग इस हर्बल लाइफ से काफ़ी खुश हैं, चाल हैप्पी होती गौतम मंत्री। तो आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि आज ये बंदर साहब मोहम्मद साहब जो है आज 6 महीने से आज कोच के रूप में काफ़ी ही एक्टिवेट हो चुका है और इसमें काफ़ी कैंडिडेट को
ट्रेनिंग देते हुए हर्बल लाइफ के पीछे काफ़ी जागरूक है। इनका भी मकसद है कि हमारा जो है हैदराबाद ग्रीन सिटी बने और हेल्दी बने, इसलिए इन्होंने अपने एजुकेशन को करते हुए पार्ट टाइम में हर्बल लाइफ में सुबह शाम उन्होंने टाइम देते हुए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप जो कुतुबुलापुर मंडल में रहते हो, तो मैं चाहूँगा कि इस छोटे से कम एज के बच्चे को आपके साथ की जरूरत है, आपकी कंपनी की जरूरत है। इस तरह के बंदे जो है आज रोड पर मिलते हैं, गली गली में मिलते हैं, लेकिन इसमें अपने समय को इम्पोर्टेंट देते हुए, समय का महत्व को समझते हुए आपके हित में आपके हेल्थ के लिए ये कदम उठाया है। तो आप जो अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो इस लड़के के मोबाइल को लेकर के आप थोड़ा सोचिए कि आखिर ये 19 ईयर्स का बच्चा स्ट्रगल करते हुए आपके लिए आपके फैमिली के लिए क्या कदम उठाया है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो हो सकता है अपने रास्ते में बरकरार के गिर जाए, अगर आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो आप मैं बोलता हूँ, मैं निकलेश चौधरी, मैं भी बिजनेस मैनेजर हूँ, संध्या टेक्नोलॉजी का प्रोवाइडर हूँ, संध्या प्लेस नगर एक निश्चित प्रोडक्ट का मेरा जो तजुर्बा जो बोलता है, अगर ये लड़का को आप लोग जैसे लोगों का साथ मिला, कंपनी मिला, तो मैं चाहता हूँ आपका हैदराबाद क्या पूरा स्टेट क्या पूरा कंट्री क्या पूरा वर्ल्ड ऐसे लड़के पैदा होंगे उनको देख करके पूरा वर्ल्ड को आपको हेल्दी बना सकते हैं, उनके लाइफ को डॉक्टर के पास जाने से बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं इतने जल्दी अपने वीडियो को विराम देता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करते हुए आइकन बेल को दबाते हुए, ताकि हमारे जैसे सोच है आप जो सोचते हो सर वही करते हो, आप जो बीज डालते हो वही फल मिलता है। इसलिए इस तरह का बीज डालिए, इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, एग्रेसिव कीजिए, ताकि आपका समाज आपका सोसाइटी घर से बाहर तक पूरा सुरक्षित मिले, कोरोना जैसे बीमारियां आपका देश समाज में दूर कर पाए। नमस्कार।